हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 11th के समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट। तो आप एग्जाम से पहले अच्छी तरह से इसको रिविजन कर लें, साथ ही आप वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी डालें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आत्मा का दर पनवाद की अवधारणा किसने दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिडिगंस, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा गिडिगंस। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कहता है संस्कृति निर्माण, देखिए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति निर्माण की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मनुष्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा जीएस घुरिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1797 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव परिस्थिति के कितने पहलू हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 4 पहलू है। अगला क्वेश्चन है कि टीबी बोटोमोर एवं एंथोनी गिडिगंस ने आधुनिक विश्व में कितने मुख्य वर्गों को बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि परिस्थिति वह पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, किसने कहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा आर्गबर्न एवं निककॉफ, जो कि आपका डी नंबर है आर्गबर्न एवं निमकॉफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शहरों में मोहल्लों के बसने का आधार निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा पेशा। अगला है श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा एम एन श्रीनिवास, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है कि संस्कृति विलंबना का सिद्धांत किसने दिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा आर्गबर्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कूले ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कूले ने ही कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए यह विश्वास किया गया कि वह जाति की अवधार इकाई का निरूपित करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा संस्कृतिकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय जीवन में गोतुल प्रतिनिधित्व करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा विवाह के स्वरूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा मैकाई वर्ष एवं पेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति करण की अवधारणा किसने दिया। तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि समाज एक वृहत समूह है जो सभी व्यक्तियों का अपना समूह है। तो इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ये होगा एल एफ वाल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया। इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा दुर्खीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी। इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति के कितने प्रकार हैं। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर हो जाएगा 4, ठीक है, यानी संस्कृति के जो है 4 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत किसने दिया। इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। अगला क्वेश्चन है कि समुदाय क्या है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा गांव, ठीक है, यानी कि विलेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूलर सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा डी पी मुखर्जी,
अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कहता चिपको आंदोलन संबंधित है, तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, थ्री यानी कि आपका वृक्ष से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में, जो कि आपका डी नंबर में आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है, तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, एच मैन। अगला क्वेश्चन है कहता है भारतीय समाज में स्त्रीकरण का पारंपरिक आधार है, तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, जाति का। अगला क्वेश्चन है कि महिला आंदोलन का आधार क्या रहा, तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, नारीवाद। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक समूह की अवधारणा किसने दी, इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, कुले ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी, इसका आंसर आएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि समाजीकरण कितने स्तर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गौ नंबर यानी कि चार हो जाएगा, यानी कि सामाजिक जो है समाजीकरण का जो समाजीकरण के चार स्तर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो इसका आंसर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के एक ही प्रकार होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। अगला क्वेश्चन है कि समुदाय क्या है, तो ज्यादा ध्यान से समझिएगा कि समुदाय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खुआ नंबर हो जाएगा, गांव, यानी कि समुदाय जो है गांव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि खुआ नंबर हो जाएगा दुखीरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में स्त्रीकरण का प्रारंभिक आधार है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घ नंबर यानी कि जाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपका है कहता है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत किसने दिया, इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर कांट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रॉयल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गौ नंबर हो जाएगा यानी कि सी नंबर हो जाएगा, डीपी मुखर्जी, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से रिवीजन कर ले, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।